हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फोर्थ एपिसोड में दिखाया जाता है चीटिंग करने वाला डॉक्टर छिप छिप कर कहीं जा रहा होता है और उनसे मिला हुआ वर्कर सीसीटीवी कैमरे से उनकी फुटेज डिलीट कर रहा होता है। सभी लोग आपस में मिलते हैं। सिम्बू जियू को सॉरी बोलता है कि उसे गेम में एक साथ रहना चाहिए था। जियू उसे माफ कर देता है। अब 187 प्लेयर्स में से 79 प्लेयर्स हट गए एंड उन मरे हुए प्लेयर्स की रकम उस बॉक्स में आ जाती है जो कि बचे हुए प्लेयर्स में बटेगी। तभी वो खाने के लिए लाइन में लगते हैं। उन्हें केवल एक अंडा एंड एक कोल्ड ड्रिंक देते हैं। खाना कम मिलने के कारण डीओक्स की टीम वाले लोग फिर से लाइन में लगकर दोबारा खाना ले लेते हैं। तीन प्लेयर्स रह जाते हैं। वो खाना मांगते हैं लेकिन गार्ड कहते हैं खाना प्लेयर्स की गिनती के हिसाब से आया था लेकिन डीओक्स की टीम ने एक्स्ट्रा ले लिया था। एक प्लेयर डीओक्स से खाना छीनने लगता है एंड उसकी उससे लड़ाई हो जाती है। डीओक्स गुस्से में उसे बहुत मारता है और उसकी डेथ हो जाती है। जीहू गुस्से में चिल्लाता है कि उसे मार डाला, कुछ करते क्यों नहीं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब बस 107 प्लेयर्स बचे हुए होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे वर्कर्स उन मरे हुए लोगों की लाश जलाते हैं कर एंड 29वें नंबर वर्कर जो एक पुलिस वाला है वो एक सीनियर वाला मास्क पहन लेता है एंड फिर कोई भी वर्कर उससे सवाल नहीं करता। यहाँ ये डॉक्टर प्लेयर उन मरे हुए प्लेयर्स की लाश से उनके ऑर्गन्स निकाल रहा होता है। तभी उसके साथ वाला वर्कर उसे जल्दी करने को कहता है। सारे प्लेयर्स परेशान है। सिम्बू अपनी टीम को बोलता है कि आज रात हम नहीं सोएंगे। कि आज रात क्या होगा उन्हें नहीं पता। उन्हें लगता है कि रात होते ही डीओक्स प्लेयर्स को मारेगा ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। जीहू चोर लड़की के पास जाता है एंड बोलता है कि लाइट ऑफ होने पर कुछ होता है तो वो उसकी टीम की तरफ आ जाए। 28 नंबर वर्कर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बॉडी ऑर्गन्स निकाले जा रहे होते हैं। वो भी इन्हीं लोगों में शामिल होता है। 28 नंबर से पूछते हैं वो अकेला क्यों आया। वो बताता है कि 29 नंबर नहीं आया, उसे आज खुद ही अकेले डिलीवरी करनी पड़ेगी। तभी वो डॉक्टर उनसे नेक्स्ट गेम के बारे में पूछता है। वर्कर बताते हैं कि अगर आज रात तुम बच गए तो गेम खेल पाओगे क्योंकि आज रात लड़ाई होने वाली है एंड वो उसे ताकतवर टीम में शामिल की सलाह देते हैं एंड उस डॉक्टर को एक अंडा देता है। एंड डॉक्टर जब अंडा खाता है तो उसे अंडे के अंदर एक और पर्ची मिलती है जिसमें गेम के बारे में लिखा होता है एंड वो डीओक्स की टीम में जाता है एंड वो उन्हें अगले गेम के बारे में बताएगा। ऐसा बोलकर टीम में शामिल हो जाता है। सभी वर्कर्स अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। 30 सेकंड में लाइट ऑफ होने वाली होती है। सभी डरे हुए होते हैं। लाइट बंद होते ही ग्रे ड्रेस वाला आदमी उन्हें देख रहा है एंड डीओक्स हमला करना स्टार्ट कर देता है। वहां तहलका मच जाता है। लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। डीओक्स और लड़की पर हमला करता है एंड उसका चाकू छीन लेता है और लोगों को बेरहमी से मारने लगता है लेकिन चोर लड़की बच जाती है। जीहू की जान अली बचाता है। वो एक साथ रहकर बूढ़े अंकल को ढूंढते हैं। सभी लोग खून के पैसे हो जाते हैं। एक प्लेयर्स दरवाजा खुलवाती है, उसे भी मार दिया जाता है। चोर लड़की जीहू के पास आ जाती है और लड़ाई चलती रहती है। डीओक्स और जीहू की टीम का मुकाबला होता है। तभी बूढ़ा अंकल रोने लगता है कि सभी मर जाएंगे। तभी लाइट ऑन होती है एंड सभी को रोक दिया जाता है। गार्ड सभी की चेकिंग हैं और हथियार ले लेते हैं। तभी 29 नंबर वर्कर जो पुलिस वाला होता है वो जीहू के पास आता है और अपने भाई का नाम लेता है एंड उसके बारे में पूछता है परंतु जीहू को पता नहीं होता तो वो मना कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि जीहू अपनी टीम के साथ बैठा है एंड सबको अपना नाम बताने को कहता है। सभी अपना नाम बताते हैं लेकिन बूढ़े अंकल को नाम याद नहीं आता तो वो उन्हें आराम करने को बोलता है। चीटिंग करने वाला डॉक्टर डीओक्स का ट्रीटमेंट करता है। हॉर्न डीओक्स के साथ फ्लर्ट करती है एंड वो दोनों टॉयलेट में इंटीमेट होते हैं एंड होन उसे कहती है अगर उसने उसे धोखा दिया तो वो उसे मार डालेगी। तभी सोने का टाइम होता है। पुलिस वाला फिर से अपने फोन में नोट लिखता है इस गेम के बारे में। सुबह हो जाती है एंड बूढ़ा आदमी रात भर जाग कर पहरा देता है इसलिए वो सो नहीं पाता। फिर सभी प्लेयर्स को 10-10 लोगों की टीम बनाने को बोला जाता है। उनके पास 10-10 मिनट होते हैं। डीओक्स अपने साथी को बोलता है सिर्फ ताकतवर लोग ही चुनना। सिम्बू बोलता है हमारे पास पहले से ही बूढ़ा आदमी है एंड एक लड़की है, अब हम लोग ताकतवर लोग ही लाएंगे। सभी लोग एक एक प्लेयर्स को लाएंगे तो भी 10 लोग हो जाएंगे। सभी अपने अपने प्लेयर्स को ढूंढते हैं। वो लोगों को मनाते हैं। अली, सिम्बू एंड जीहू एक एक प्लेयर्स ले आते हैं। तभी देखते हैं डीओक्स होन को टीम से निकाल देता है एंड वो उसके पैर में गिर जाती है लेकिन डीओक्स उसे धक्का दे देता है। होन उसे धमकी देती है उसे धोखा देना भारी पड़ेगा। चोर लड़की एक और लड़की को टीम में ले आती है लेकिन बूढ़ा आदमी कोई भी खिलाड़ी नहीं ला पाता। होन जबरदस्ती जीहू की टीम में बैठ जाती है और टीम बनाने का टाइम आउट हो जाता है। थर्ड गेम स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है टग ऑफ वार, जिसमें दो टीम रहती हैं एंड रस्सी खींचते हैं। एक टीम को सामने वाली टीम से रस्सी खींचना होता है। टीम 1 जो डीओक्स की है एंड टीम 7 जो एक अपोजिट टीम है वो साथ में खेलेंगी। दोनों टीम का मुकाबला होता है। डीओक्स की टीम ज्यादा ताकतवर होती है एंड वो उस टीम से रस्सी छीन लेती है एंड फिर रस्सी को काट दिया जाता है। हारे हुए लोग नीचे गिर जाते हैं एंड नीचे गिरकर उन प्लेयर्स की डेथ हो जाती है। एक प्लेयर्स जिंदा होता है तो 28 नंबर वर्कर
उस प्लेयर्स के बॉक्स पर अलग निशान लगा देता है। अगला राउंड टीम 4 जो जीहू की है एंड टीम 5 का मुकाबला होता है, जिसमें सारे लोग आदमी आदमी होते हैं। बूढ़ा आदमी अपनी टीम को बताता है, टग ऑफ वार सिर्फ ताकत का गेम नहीं है, ये दिमाग का भी गेम है। लीडर विरोधी टीम के टक्कर का होना चाहिए, बाकी टीम लीडर को फॉलो करेगी। अगर लीडर कमजोर हुआ तो हार जाएंगे, और सबसे पीछे का प्लेयर्स मजबूत और ताकतवर होना चाहिए। सभी 10 सेकंड तक रस्सी को होल्ड करते हैं एंड अचानक से रस्सी को खींचने लगते हैं। जीहू की टीम हारने लगती है, तभी सिम्बू के मन में एक आइडिया आता है जो कि होन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सिम्बू का आइडिया सब लोग मानते हैं एंड रस्सी को ढील देते हैं, एंड यही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगला एपिसोड जिसमें इस गेम के रिजल्ट को बताया जाएगा एंड बाकी के गेम को खिलाया जाएगा, जो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा।